वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई रुद्री मूवी को लेकर आया हूँ। एक्चुअली ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। किसी गांव में किसी लड़की के साथ ऐसा ही पेश हुआ था। अपनी इज्जत लूट जाने पर किस तरह से उस लड़की ने उन लोगों से बदला लिया, ये इस मूवी की कहानी है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही सिद्धप्पा नाम के एक बंदे को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार चुके होते हैं। जब पुलिस वालों को इसके बारे में पता चलता है तो एक इंस्पेक्टर क्राइम स्पॉट पर आकर क्राइम सीन की इंस्पेक्शन करने लगता है। इंस्पेक्टर को पता लगता है कि मर्डर करने वाली लड़की है, क्योंकि उस इंस्पेक्टर को सिद्धप्पा के घर में बैंगल्स के टुकड़े मिलते हैं। इसी से अंदाजा लगाता है ये इंस्पेक्टर। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर रुद्री नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। और एक्चुअली रुद्री की उम्र 20 साल होती है, लेकिन ये अभी भी छोटे बच्चों के साथ ही खेलती रहती है। छोटे बच्चों की चीजें छीनकर खेलना, उनसे लड़ाई झगड़ा करना, उनके साथ शोर शराबा करना, हमेशा बच्चों के साथ कोई ना कोई गेम खेलती रहती है। और उसी तरह रुद्री अपने गांव के एक छोटे से होटल में भी काम करती रहती है। लेकिन रुद्री अपने गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते अपने काम पर लेट से जाया करती है। हमेशा इसका होटल ओनर इसको डांटते रहता है कि इतने लेट से काम पर आओगी तो कैसे चलेगा, किसी दिन जल्दी आकर मेरा काम थोड़ा आसान कर दो। लेकिन रुद्री बेवड़ी मानती ही नहीं। सुबह उठते बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर चली जाती, लेट से अपने काम पर जाती। और जब भी रुद्री का फेवरेट हीरो का मूवी रिलीज होती है, वो अपने गांव के सारे बच्चों को इकट्ठा करके उस थिएटर में जाकर स्क्रीन के सामने खड़े होकर डांस करती रहती है। हर रोज रुद्री की माँ रुद्री को तलाश करती रहती है कि रुद्री कहाँ पर है, कब घर आएगी। रुद्री जहाँ पर भी होती, इसकी माँ घसीटते हुए इसको वापस अपने घर लाने लगती। खैर, दूसरे सीन में रुद्री के कजिन वीरेशा को दिखाया जाता है। वीरेशा एक टूरिस्ट गाइड होता है। वीरेशा रुद्री से बहुत प्यार करते रहता है, और इसी तरह रुद्री भी। रुद्री की माँ की यही चाहत होती है कि रुद्री की शादी वीरेशा से ही करवाए। खैर, उस दिन अपने गांव में थोड़ा फेस्टिवल होने की वजह से रुद्री, वीरेशा और रुद्री की माँ उस फेस्टिवल पर जाते हैं। थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। वीरेशा रुद्री को उसके मनपसंद के बैंगल्स भी दिलवाता है। वापस अपने घर आने के बाद रुद्री भगवान के सामने बैठकर इन चूड़ियों को दिखाते हुए ये वीरेशा से कितना प्यार करती है, कितना चाहत करती है, वो भगवान से बात करने लगती है। खैर, दूसरे दिन सुबह होने के बाद रुद्री अजवल से बच्चों के साथ खेलने लगती है। उसी वक्त रुद्री के माँ रुद्री को डांट डपट कर वापस अपने घर आकर इसको समझाने की कोशिश करने लगती है कि तुम्हारी उम्र क्या है और तुम्हारी हरकतें क्या है। तुम्हारी उम्र में मेरी शादी हो चुकी थी और तुम बच्चों के साथ खेल रही हो। इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है बेटा, मतलब रुद्री का फादर नहीं होता। रुद्री की माँ कहने लगती है कि मैं दिन रात ये करके खेतों में काम करके पैसा पैसा जमा कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारी शादी कर पाऊँ, और तुम तो बेजिम्मेदार बन बैठी। अगर हमको कुछ हो जाता तो कोई भी नहीं है हमारी देखरेख करने के लिए। इस तरह से रुद्री की माँ बहुत समझाने पर रुद्री रोते हुए समझ जाती है। कहने लगती है कि माँ, आज के बाद से मैं बच्चों के साथ नहीं खेलूंगी, अच्छे से काम पर जाऊंगी, तुम्हारी बात मानूंगी। सो दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बच्चों के साथ ना खेलते हुए अपने काम पर चली जाती है, उस होटल में काम करने के लिए। होटल का ओनर रुद्री को देखकर शौक में रह जाता है। अरे वाह, आज तुम इतना जल्दी काम पर आ गई। रुद्री अपना सर खुजाते हुए कहने लगती है कि आज के बाद से मैं जल्दी ही काम पर आऊंगी, अच्छे से काम करूंगी। थोड़ी देर के बाद रुद्री का ओनर रुद्री को अपना होटल सौंप कर ये कुछ काम से बाहर जाने लगता है, तो रुद्री अच्छे से काम करने लगती है वहाँ पर। खैर, रात होने के बाद रुद्री अपने होटल के सारे सामान समेटने लगती है होटल को बंद करने के लिए। उसी वक्त सिद्धप्पा और उसके तीन फ्रेंड्स बहुत दारू पीकर इस होटल पर आते हैं। सिद्धप्पा रुद्री से कुछ खाने के लिए देने के लिए कहता है। रुद्री कहने लगती है, अरे होटल बंद हो चुका है, तुम लोग यहाँ से जाओ। लेकिन ये चारों बहुत रिक्वेस्ट करने लगते है कि हम बहुत भूखे हैं, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो, जो कुछ भी तुम बनाओगे हम खा लेंगे। अब रुद्री को इन पर रहम आकर उसी वक्त कुछ बनाने लगती है खाने के लिए। अब उन चारों ने तो फुल दारू पी रखी होती है। रुद्री के बारे में अनाप शनाप बकने लगते हैं। रुद्री इन चारों की बातें सुन लेती है, एहसास हो जाता है कि इनकी नीयत सही नहीं है। फटाफट से इन चारों को कुछ खाना देकर यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। अब उस वक्त सिद्धप्पा थोड़ा सुसू करने के लिए बाहर गया होता है। मौके का फायदा उठाकर ये तीनों रुद्री के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। पैसे देने के बहाने से इसको टच करने लगते हैं। जब रुद्री इस होटल से बाहर जाने की कोशिश करती है तो ये तीनों इसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ये तीनों रुद्री पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ रुद्री की माँ रुद्री के बारे में पूछने के लिए उसके ओनर के पास आती है कि अभी तक रुद्री वापस घर नहीं आई। होटल ओनर रुद्री की माँ से कहने लगता है, अरे तुम रुद्री के बारे में जानती हो ना, गई होगी बच्चों के साथ खेलने के लिए, आ जाएगी। लेकिन रुद्री की माँ रोते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं, उसको आज तक इतना लेट नहीं हुआ, प्लीज आप एक बार होटल के पास जाकर देख कर आइए ना।
तो होटल ओनर अपने होटल के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ होटल में सिद्धपा के वो तीन दोस्त रुद्री को मार पीट कर इसके साथ बहुत ही बेरहमी से बलात्कार करने लगते है। चीखने चिल्लाने पर भी इसकी आवाज सुनने वाला कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं होता। बलात्कार करने के बाद वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। रुद्री बहुत ही मुश्किल से अपने कपड़े पहनकर वापस अपने घर जाने लगती है। सोचने लगती है कि अब जिंदगी का क्या फायदा, ये तो लुट गई। बड़े से कुएं के पास जाती है आत्महत्या करने के लिए। उसी जगह पर एक पागल बूढ़ी औरत बैठी होती है। वो बूढ़िया एक गुड़िया के साथ बात करती रहती है कि हम औरतों के साथ हमेशा से ही अन्याय होते आ रहा है। हे भगवान, आखिरकार हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो हमको ऐसी सजा मिल रही है? अगर सजा मिलनी चाहिए तो गुनहगारों को मिलनी चाहिए, हमें क्यों भुगतना पड़ता है? इस तरह से औरतों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में उस गुड़िया से बात करती रहती है। अब रुद्री ये बातें सुनकर उसको जोश आने लगता है। सोच लेती है कि मैंने कुछ भी गलती नहीं की तो मैं क्यों आत्महत्या कर लूं? रुद्री ठान लेती है कि मेरे साथ जिन लोगों ने ये हरकत की मैं उसका बदला लूंगी। उसके बाद रुद्री वापस अपने घर जाती है। देर रात तक घर आने के बाद इसकी माँ बहुत परेशान रहती है। पूछने लगती है कि इतनी देर रात तक तुम कहाँ पर थी, क्या कर रही थी? लेकिन रुद्री के साथ जो हुआ वो अपनी माँ को नहीं बताती, चुपचाप बैठी रहती है, इवन खाना भी नहीं खाती। फाइनली बहुत रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है। रुद्री की माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता। जब रुद्री सो रही होती है तो रुद्री को वही नाइटमेयर्स आने लगते है। इसको नींद ही नहीं आती। उन तीनों ने इसके साथ कैसे बलात्कार किया वही याद आते रहता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। अब सिद्धप्पा का मर्डर का केस एक इंस्पेक्टर डील कर रहा होता है ना, वो अपने तरीके से इंक्वायरी करते रहता है उस गांव में। दूसरे दिन जब रुद्री बहुत ही मायूस तरीके से वापस अपने होटल पर आती है तो वहाँ के लोगों से रुद्री को ये बात पता चलती है कि किसी ने सिद्धप्पा को गला काट कर मार दिया। यह सुनने के बाद रुद्री शॉक में रह जाती है। उसके बाद जब रुद्री अपने होटल के पीछे बैठी होती है तो इसका ओनर आकर पूछने लगता है कि बेटा तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तो रुद्री ने अपने साथ जो हुआ वो सारी बात अपने होटल ओनर को बताने लगती है। ये बेचारा भी बहुत रोने लगता है और रुद्री को हौसला देने लगता है कि बेटा तुमने कोई गलती नहीं की, उन लोगों को तुम चुन चुन के मार दो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर अपना भेष बदलकर हर एक घर घर जाकर औरतों के हाथों में चक्करते रहता है, क्योंकि क्राइम स्पॉट पर किसी लड़की के ही बैंगल्स पाए गए थे तो ऐसे बैंगल्स की तलाश करते रहता है। इसी दरमियान में वो इंस्पेक्टर रुद्री के होटल पर भी आता है कुछ खाने के लिए। जब रुद्री इस इंस्पेक्टर को कुछ पीने के लिए देती है तभी वो इंस्पेक्टर रुद्री के हाथों को देखकर शॉक में रह जाता है। रुद्री के हाथों में दो बैंगल्स मिस हुई होती है, लेकिन इस एक सबूत से क्या होगा? इंस्पेक्टर और कुछ सबूत इकट्ठा करने लगता है, चुपचाप वहाँ से चले जाता है। अब उस इंस्पेक्टर को रुद्री पर शक हुआ, ये बात रुद्री का होटल ओनर भाप लेता है। खैर दूसरे दिन रुद्री सिद्धप्पा के वो तीनों फ्रेंड्स के बारे में पता करने की कोशिश करने लगती है। दर बदर भटकने लगती है, कभी ये गांव जाती कभी वो गांव जाती। बहुत तलाश करने के बाद फाइनली रुद्री को उन तीनों में से एक बंदे का एड्रेस मिल ही जाता है। होटल ओनर भी इसकी मदद करता है। जब रुद्री उस बंदे को देखने के लिए उसके गांव जाती है तो वहां पर इसकी मुलाकात एक और औरत से होती है जो उसी बंदे से मिलने के लिए आई होती है। जब वो औरत उस बंदे से जा मिलती है तो वो बंदा इस औरत से थोड़ा मिसबिहेविंग करने लगता है, इसको इधर उधर टच करने लगता है, इसको अपनी पुरानी फैक्ट्री पर बुलाने लगता है। ये चीज रुद्री खोपचे में रहकर देखती रहती है। जब औरत रोते हुए वापस वहाँ से जा रही होती है तो रुद्री इस औरत को अपने पास बुलाने लगती है। पूछने लगती है कि तुम उस बंदे से क्या बात करके आ रही हो, क्यों रो रही हो? ये औरत कहने लगती है कि वो बंदा एक्चुअली हमारे खेतों को पानी रोक दिया, मैं उससे पानी मांगने के लिए गई तो उसने कहा कि वो मेरे साथ सोना चाहता है, अपनी पुरानी फैक्ट्री पर बुलाया है, अगर हमारे खेत को पानी नहीं मिलेगा तो बंजर बन जाएगा खेत। रुद्री कहने लगती है कि देखो तुम घबराओ मत, उसने मेरे साथ भी अत्याचार किया, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, उस प्लान के हिसाब से तुम उसे मार दो। यह सुनने के बाद ये औरत बहुत डर जाती है। दूसरे दिन वो औरत अपने आप को सौंपने के लिए उस पुरानी फैक्ट्री पर जाती है उस बंदे से मिलने के लिए। जब वो बंदा इस औरत के साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है तभी यहाँ पर रुद्री आ जाती है। समझ जाती है कि ये औरत तो इस बंदे को नहीं मार पाएगी, इसलिए रुद्री इस बंदे को मार देती है। और इस बंदे को मारते समय ये बताने लगती है कि रुद्री ने किस तरह से सिद्धप्पा को मारा था। एक्चुअली उस रात रुद्री सिद्धप्पा के घर गई थी, इसको बहुत दारू पिलाकर इसके साथ जो तीन फ्रेंड्स आए थे उनके बारे में पूछकर उनका पता हासिल कर लेती है। बाद में सिद्धप्पा को भी मार देती है। खैर दूसरे दिन पुलिस वालों को उस बंदे की भी मौत की खबर मिलती है कि किसी ने इस बंदे को मार दिया। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है इंस्पेक्टर।
उसके बाद मरे हुए बंदे के दूसरे फ्रेंड को इन दोनों की मौत की खबर मिलती है कि सिद्धप्पा और एक और बंदे को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया। जब यह बंदा थोड़ा अपने तरीके से इंक्वायरी करता है तो पता चलता है कि रुद्री ने मारा होगा। सो उसी वक्त यह बंदा रुद्री के गांव जाकर उसके होटल पर जाता है। रुद्री के होटल ओनर से रुद्री के बारे में पूछने लगता है, क्या रुद्री है? होटल ओनर पूछने लगता है, अरे वाह, तुम रुद्री को जानते हो? सो यह बंदा बहाना बनाने लगता है, हाँ लास्ट टाइम मैं आपके होटल पर आया था, रुद्री ने ही मुझे सर्व किया, एक बार आप उसे बुलाओ तो। सो होटल ओनर रुद्री के पास जाकर यही बात बताने लगता है। रुद्री इस बंदे को देखकर पहचान लेती है कि इसने भी मेरी इज्जत लूटी। होटल ओनर इस बंदे के पास जाकर कहने लगता है कि तुम वहाँ पर जाकर वेट करो, रुद्री तुम्हारे पास आएगी। इस तरह से जब ये बंदा दूसरी जगह पर वेट कर रहा होता है, रुद्री इस बंदे के पास आकर इसको बहुत मारते पीटते हुए इसको भी मार देती है। और इसको मारते समय ये बताने लगती है कि रुद्री ने सिद्धप्पा उसके फ्रेंड को कैसे मारा। अब इन चारों में से सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है, इसी का नाम होता है पटेल। पटेल पेशे से ही एक रोडी होता है, गांव के लोग इससे बहुत डरते रहते हैं, बहुत क्रूर किस्म का बंदा होता है। तो उसी वक्त पटेल को ये बात पता चलती है कि इसके जो साथी है, दो साथी और सिद्धप्पा, इन तीनों को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया। ये खबर सुनने के बाद पटेल के तो होश ही उड़ जाते हैं, ये भी सोचने लगता है कि कौन होगा वो जो उन तीनों को मारा होगा। दूसरी तरफ रुद्री पटेल के गाँव आती है उसको तलाश करते हुए। जब रुद्री किसी होटल में जाकर खाना खाकर बिल पे कर रही होती है तो उसी होटल के पास पटेल की फोटो चिपकी होती है, शायद ये होटल पटेल की ही होती है। फटाफट से इसका एड्रेस नोट डाउन करके दूसरे दिन पटेल को एक लेटर भेजती है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो अभी के अभी पूरी कर लो, अब तुम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाओगे। पटेल को समझ में नहीं आता कि किसने लिखा, तो पटेल उस पोस्टमैन को पकड़कर उसे बहुत मारने पीटने लगता है। तो पता चलता है कि ये खत रुद्री के गांव से आया है। तो उसी वक्त पटेल रुद्री के होटल पर जाता है। जब रुद्री पटेल को देखती है तो ये बहुत डरने लगती है, बचे तीन लोगों तो इसने बहुत ही आसानी से मार दिया, लेकिन पटेल दिखने में बहुत ही भयंकर नजर आते रहता है। जब पटेल हमला करने ही वाला होता है तभी एक कांस्टेबल पटेल को गिरफ्तार करने लगता है, क्योंकि उस पोस्टमैन ने पटेल के खिलाफ एक कंप्लेंट दिया था, इसीलिए पुलिस वाले इसको अरेस्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो होटल ओनर रुद्री के साथ जो हुआ वो सारी बात इसके कजिन वीरेशा से बताने लगता है। ये बेचारा भी बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद जब रुद्री अपने होटल ओनर को फोन करती है तो उस लोकल फोन बूथ के पास वीरेशा होता है। फटाफट से रुद्री का फोन पिक करके यही बात कहने लगता है कि मुझे सब कुछ पता लग गया है रुद्री, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम वापस आ जाओ। रुद्री कहने लगती है, नहीं, जब तक मैं उसको नहीं मार दूंगी मैं वापस अपने गांव नहीं आऊंगी। इस तरह से ये भी बहुत रोने लगती है। अब उसी जगह पर पटेल होने की वजह से वीरेशा की बातें सुन लेता है। पुलिस वालों ने पटेल को बेल दे दिया होता है। उसके बाद उल्टा पटेल रुद्री और उसके होटल ओनर को फाइंड आउट करके एक पुराने घर में लाकर इन दोनों को बांध देता है, बहुत मारने पीटने लगता है। कहने लगता है कि तुमने मेरे दोस्तों को मारा ना, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इस तरह से वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर के बाद एक गांव की औरत जब उस पुराने घर से गुजर रही होती है तो रुद्री की रोने की आवाज़ सुनकर उस घर के अंदर जाकर रुद्री के हाथ पैर खोलने लगती है। रुद्री अपने साथ जो हुआ वो सारी बात उस औरत से शेयर करने लगती है। उसके बाद रुद्री और वो औरत पटेल की कार की टंकी में मिट्टी मिला देते हैं और रुद्री खुद उस गाड़ी की डिक्की में छुप जाती है। जब पटेल अपनी गाड़ी लेकर बाहर जाने लगता है तो बीच रास्ते में आकर इसकी गाड़ी रुक जाती है। मौके का फायदा उठाकर रुद्री उस डिक्की से बाहर आकर पटेल को मारने की कोशिश करने लगती है। इन दोनों की भी जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। फाइनली रुद्री बहुत हिम्मत जुटाकर पटेल को मार ही देती है। थोड़ी देर के बाद वो इंस्पेक्टर पटेल की डेड बॉडी के पास आता है। अब इसको पता लग चुका होता है कि इसकी हत्या भी रुद्री ने किया, लेकिन वो इंस्पेक्टर रुद्री को अरेस्ट नहीं करता। कानून के हिसाब से रुद्री ने जुर्म किया, लेकिन वो इंस्पेक्टर एक फादर के हिसाब से सोचने लगता है तो रुद्री ने जो किया वो सही किया। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।